Hello and welcome to Edu Club for you. And today we start a very fresh new thing in history. मुझे पता है कि हिस्ट्री को याद रखना बहुत लोगों के लिए बहुत ही हेडेक का काम होता है. यहां पे हम लोग हिस्ट्री कैसे पढ़ेंगे कि आपको याद नहीं रखना पड़ेगा, ऑटोमेटिक याद रह जाए. अब किस एंगल से उसे बनाया जाता है वो स्टोरी आपको सिर्फ एक बार सुन लेना है, और स्टोरी के अंदर जो टाइम के डेट्स में भरूंगा उसको सिर्फ आपको याद रखना है. मुझे लगता है कि अगर स्टोरी को उस टाइमलाइन के साथ अगर आप जोड़ पाओ तो काफी आसानी तरीके से, काफी आसान, इट इज क्वाइट इजी फॉर एवरीबडी to memorize all the facts that happen in Indian history. तो चलिए इस चीज को शुरू करते हैं एक नए अंदाज से, एक नए स्टाइल से. History, भारत का जो इतिहास है उसे तीन भागों में डिवाइड किया गया, एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री. हम लोग थोड़ा सा रिवर्स में चलेंगे, पहले मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में सोचेंगे, फिर मेडिवल हिस्ट्री के बारे में सोचेंगे, फिर एंशियंट हिस्ट्री के बारे में सोचेंगे. मैं थोड़ा थोड़ा करके हर बार आपको अलग 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 कहानी सुनाता रहूंगा, और उसके साथ बहुत सारे नोट्स भी स्क्रीन पे दिखाऊंगा. वो सारे नोट्स को आपको कहीं पे भी लिख लेना है, ठीक है, अपने नोटबुक में, और फिर नेक्स्ट डे उसको सिर्फ एक बार याद करके फिर से लिखना है. बस इतना काम आपके लिए है, आपका पूरा हिस्ट्री के ऊपर जितना भी आपको आइडिया होना है वो सारा हो जाएगा. आप कहीं पे भी लिख सकते हो, आराम से लिख सकते हो. तो चलिए बात करते हैं हिस्ट्री का. मॉडर्न हिस्ट्री तीनों भागों में इसीलिए डिवाइड किया गया है. पहला भाग जब भारत बना, वहां से लेके जब तक हिंदू राजाओं ने पूरे भारत के ऊपर शासन किया. Ancient history belongs to that part of India from the beginning to the end of Hindu era. Hindu era means the last powerful Hindu king, Harshavardhan. उसके बाद राजपूत लोग आए, थोड़े थोड़े करके अलग अलग जगहों पे शासन करना शुरू कर दिए. बट उसके बाद मेडिवियल तभी शुरू होता है जब भारत में मुस्लिम राजाओं ने एंटर किया, यहां पे शासन करना शुरू किया. कई सौ साल उन्होंने शासन किया है भारत को, और फाइनली जब मुस्लिम राजाओं का शासन भारत से खत्म हुआ और भारत फॉरेन पावर्स, यूरोपीय ताकत जो थे, जो राजा थे या जो लोग थे, उन्होंने जब भारत को शासन किया, उस वक्त को हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री कहते हैं. तो चलिए मॉडर्न हिस्ट्री में क्या क्या हमें करना है उसके बारे में सोचते हैं, क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, क्या क्या याद रखना पड़ेगा. सबसे पहले यूरोपियन पावर भारत में कब था, कैसे था, भाई क्यों आए, किस लिए आए, इसके बारे में सोचते हैं. अगर आप इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ोगे या जब मैं आपको बताऊंगा तो तभी आपको पता चल जाएगा कि भारत के ट्रेडर्स कई जगह जाते थे बिजनेस करने के लिए, चाहे भारत से मेसोपोटामिया हो यानी जो इराक बन गया है, चाहे सुमेरियन सिविलाइजेशन हो, चाहे चाइनीज सिविलाइजेशन हो, तो अलग अलग जगहों पे ये लोग जाते थे और वहां पे बिजनेस शुरू करते थे. अब ये लोग जो शासन वहां पे ट्रेड करने जाते थे, चल रहा था ट्रेड, यूरोप में भारतीय प्रोडक्ट्स, खास करके स्पाइसेस यानी मसालों का जबरदस्त डिमांड हुआ करता था. तो बहुत सारे यूरोपियन ट्रेडर भारत आया करते थे या भारतीय ट्रेडर यूरोप जाया करते थे. एम क्या था, यहां का मसाला लेके वहां पे बेचना. और मैं तब की बात बता रहा हूं जब भारत को
पानी के रास्ते थे सी रूट से कोई ढूंढा ही नहीं था। रास्ता क्या था? भारत से इन्हें चलना है पाकिस्तान, दुबई एट दैट टाइम पार्ट ऑफ इंडिया, तो यहां से सीधा आप अफगानिस्तान चले जाओ, अफगानिस्तान से पर्शिया यानी ईरान आप चले जाओ, ईरान से आगे आप अरब चले जाओ, अरब से आगे आप इजिप्ट चले जाओ, इजिप्ट से आगे आप तुर्की चले जाओ, वहां से आप आराम से यूरोप में चले। तो दिस इज द रूट, ट्रेड रूट हुआ करता था। जब भारत से ट्रेडर लोग ये रास्ता होके यूरोप के लिए जाते थे। आया समझ में आपको? मैं यहां पे मैप दिखा रहा हूं, आप ध्यान से देख लो। भारत से निकलोगे आप, फिर आप अफगानिस्तान जाओगे, वहां से पर्शिया जाओगे, वहां से आप अरब जाओगे, वहां से आप इजिप्ट जाओगे, वहां से आप तुर्की होके यूरोप चले जा सकते, ठीक है। बट दिक्कत क्या हुआ उसके बारे में सोचेंगे। कई सौ साल उन्होंने ऐसे ही ट्रेड करना चालू रखा, चालू रखा, चालू रखा। तभी दिक्कत हुआ जब इस प्रांत में जिस रस्ते होके ये लोग गुजर रहे थे, उस प्रांत में जब मुस्लिम लोगों ने शासन करना शुरू किया। सबको नॉर्मली जानकारी होगा 622 इज द बर्थ ऑफ इस्लाम रिलीजन, 622 ठीक है इस्लाम धर्म शुरू हुआ। तो कई साल पहले जब मुस्लिम रूलर ने वहां पे शासन करना शुरू किया तो उन्होंने उनका डिमांड बढ़ते गए, काफी ज्यादा उनको टैक्स देना पड़ा उन राजाओं को, जो टैक्स नहीं दिया उनको लूट लिया गया। तो ट्रेडर लोगों को काफी ज्यादा नुकसान हुआ, ठीक है। तो उनको एक विकल्प चाहिए था कि भाई ये रास्ता से ना होके दूसरा किसी रास्ता से आए ताकि अंदर में ये जो दिक्कत है ये ना रहे, ठीक है। अगर मैं यूरोपियन सेलर्स के बारे में सोचूं तो 1419 आपको याद रखना है, 1419 ये पहला साल था जब पुर्तगीज सेलर लोगों ने वहां से निकलना शुरू किया पानी के रास्ते से, अलग अलग डेस्टिनी ढूंढना शुरू किया। अब उसके ऊपर हम लोग नहीं चलेंगे, सीधा चलेंगे जब भारत के बारे में सोचना शुरू हुआ। तो एक पुर्तगीज सेलर हुआ करते थे जिनका नाम था बार्थोलोमियो डियास, इन द ईयर 1488 उन्होंने शुरू किया वहां से चलना। और पूरा अफ्रीका के साइड से होते हुए होते हुए होते हुए उन्होंने आके पहुंचे द साउदर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका का सबसे निचला एरिया। बट तभी मैं हो चुका था, नॉर्मली भारत में क्या होता है जून के महीने में मानसून आ जाता है, तो इतना भयानक स्ट्रोम आया, इतना भयानक परिस्थिति, इतना गंभीर हो गया, डेंजरियस हो गया कि वो आगे नहीं बढ़ पाए। और वहीं से उन्होंने वापस जाना शुरू कर दिया उनके। बट दूसरा जो आए भास्कोडा गामा, उनका जो शिप था तैयार तो इन्होंने ही करवाया था, बहुत सारे लोगों को लेके करीब 170 नंबर ऑफ पीपल को लेके भास्कोडा गामा शुरू किए। ही स्टार्टेड हिज जर्नी इन द ईयर 1497, ठीक है, वहां से शुरू किए। तो उन्होंने वही रास्ता चूज किया जो रास्ता चूज किया थे बार्थोलोमियो डियास ने, और होते 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 वो आके
वही जगह पे पहुंचे। जब वापस गए थे बेथलोमियो डियाज, उस जगह को उन्होंने एक नाम रखा था केपॉप स्ट्रोम, ठीक है। तो वो भी आके केपॉप स्ट्रोम में पहुंचे, आगे बढ़ते रहे। उनको पता चल चुका था कि इसी दिशा में अगर मुझे आगे बढ़ूंगा तो मुझे फाइनली भारत मिल जाएगा। तो 20 मई 1498 वो दिन था जब वास्को डा गामा आके यहां पे एक जगह पे पहुंचे, नाम था कडप्पू, नियर काजीकोट यानी कालीकट। वहां पे जाके उनका जो शिप था आके लगा, और जो किंग ऑफ पुर्तगाल थे उन्होंने काफी सारा गिफ्ट्स भेजा, भेजे थे इनके हाथों में। उन्होंने वो सारा गिफ्ट दिए वहां के राजा को। राजा कौन थे? जामोरिन राजा थे, जामोरिन। तो जामोरिन ने उन्हें वेलकम किया। बट हां, ये भी आपको याद रखना है कि बहुत दिक्कत हुआ था उन्हें यहां पे आने में। बहुत सारे लोग मर चुके थे, टोटल 54 लोग यहां पहुंचे थे, वहां से निकले थे 170। बट जो भी हो, यहां पे कुछ दिन रुके और फिर वो वापस। पर जब जाके वहां पे पहुंचे यूरोप में तो एक खुशी की लहर फैल गया वहां। चलो भाई, मिल गया रास्ता, पानी का रास्ता, जहां से हम लोग डायरेक्टली भारत आ पाए, ठीक है। दूसरी बार उन्होंने भारत के तरफ रुख किया 1502 when second time Vasco da Gama move forward to India in the sea route, ठीक है। और ये भी आपको याद रखना है कि 1509 एल्बरक्यू नाम याद रखना है, who is the governor of Portuguese settlement, पहली बार भारत में पुर्तगाल पावर को एस्टेब्लिश किया गया, सूरत में फैक्ट्री बनाया गया, ठीक है, और केरला में कोचीन और कालीकट, ये काफी बड़े बिजनेस सेंटर्स हुआ करते थे उस समय, ठीक है। तो यहां से शुरू हुआ भारत और पुर्तगाल के बीच में ट्रेड लिंक यानी थ्रू सी रूट बिजनेस शुरू हो, ठीक है। तो फिर इसके बाद भारत में पुर्तगीज ट्रेडर लोगों का प्रभाव धीरे 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 बढ़ता गया। दे आर बिकम हाईली सक्सेसफुल, और ऐसा भी माना जाता है कि पहली बार जब वास्को डा गामा ने यहां से बहुत सारे प्रोडक्ट लिए और लेके उसको यूरोप के मार्केट्स में बेचे तो 60 टाइम्स ऑफ द कॉस्ट प्राइस, जिस प्राइस देके वो यहां से लिए थे उससे 60 गुना ज्यादा, 60 टाइम्स ऑफ द कॉस्ट प्राइस में वहां पे बेचे, ठीक है। सो ग्रेजुअली व्हेन द पुर्तगीज ट्रेडर्स आर हाईली सक्सेसफुल then that creates some problem, कुछ समस्या हुआ। क्या था वो? अरब के जो ट्रेडर्स थे उन्हें काफी जलन हुआ, they feel highly jealous। तो फिर उन्होंने आके जामोरिन को पुर्तगीज के खिलाफ में भड़काना शुरू कर दिया कि भाई पुर्तगीज के लोग सही नहीं है, वो समुद्री एरिया पे लोगों को लूट के पैसा ले जाते हैं, और कई सारे इल्जाम उनके नाम पे लगवाए। सो फाइनली जामोरिन ने मना कर दी, ट्रेडर आप बंद करो। तो ऐसा कंडीशन आया कि देयर वाज ए वॉर इन बिटवीन द पुर्तगीज एंड द किंग जामोरिन, और ये युद्ध में जामोरिन को हारना हुआ, हार गए। तो फिर इसके बाद पुर्तगीज ट्रेडर लोगों का ताकत भारत में काफी तेजी से फैला, और उन्होंने भारत के सी कोस्ट को
यानी भारत के कोस्टल एरिया में जो जगह है साउथ पार्ट ऑफ इंडिया में, उस जगहों को धीरे 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 कैप्चर करना शुरू किया, ठीक है। एंड दिस इज दिस पॉलिसी इज कॉल्ड द ब्लू ट्रेड पॉलिसी। ये पॉलिसी को वही कहा गया कि ये भाई ब्लू ट्रेड पॉलिसी है, ठीक है। तो सबसे पहला जगह जब पुर्तगीज ट्रेडर ने भारत को कैप्चर किया वो था 1510, और 1510 में गोवा, द किंग ऑफ बीजापुर उनके अंडर में गोवा था। पुर्तगीज ट्रेडर लोगों ने किंग ऑफ बीजापुर के साथ लड़ाई की और गोवा को कैप्चर कर लिया। फैलने लगे वो धीरे धीरे, भारत के कोस्टल एरिया पे वो लोग फैलने लगे, दामन दीव, सिलवासा, ये सब जो एरिया था उन्होंने ये एरिया को कब्जा करना शुरू कर दिया। देखो पुर्तगीज ट्रेडर जब आए थे उनका मोनोपोली था, क्योंकि बाकी तो कोई था नहीं सी रूट में। आराम से वो आए, आराम से बिजनेस किए, बहुत सारा पैसा कमाए। दूसरा, अगर किसी को मैं एग्जाम्पल लू तो मुझे 100 साल मुझे वेट करना पड़ेगा। जब ब्रिटिश लोग आए तो 1600, देखिए ये 1500 में शुरू हो गया, वो 1600, यानी 100 साल तक उन्होंने उस सी रूट को इस्तेमाल किया ट्रेडिंग करने में, पैसा कमाया। बट उनका जो आचरण था, जो बिहेवियर था, उसी के वजह से इन लोगों ने धीरे धीरे भारत में अनपॉपुलर हुए, लोग उनसे नफरत करने लगे। पॉलिसी क्या था कि सही मायनों में पैसा फार्मर्स को नहीं देते थे, किसानों को नहीं देते। उनका जो रिलीजियस पॉलिसी था कि भाई लोगों को मजबूर करना क्रिश्चियनिटी को एडॉप्ट करने के लिए, चाहे किसी भी तरीके से हो, बहला फुसला के हो या मजबूर करके हो। ये बहुत सारे हिंदू लोगों को या इस्लाम लोगों को पसंद नहीं है क्रिश्चियनिटी अडॉप्ट करने का पॉलिसी। ऐसा भी माना जाता है कि भारत से बहुत ताकतवर लोग जो हुआ करते थे, ताकतवर जवान जो हुआ करते थे, उनको काम देने के चक्कर में यूरोप ले जाते थे और वहां पे बेच देते थे यूरोप में, ठीक है, जस्ट एज स्लेव्स। तो यही सब पॉलिसी के वजह से धीरे धीरे पुर्तगीज ट्रेडर्स भारत में उतने पॉपुलर और रहे नहीं, ठीक है। अच्छा, आगे अगर हम लोग सोचेंगे कि पुर्तगीज का जो पावर था वो डिक्लाइन कैसे हुआ, तो फिर हमें यह सोचना होगा कि जब बहुत सारे ट्रेडर्स आ गए सी रूट के थ्रू, चाहे वो ब्रिटिश के ट्रेडर्स हो, चाहे वो डच लोग हो, चाहे वो डेंस के लोग हो, चाहे वो फ्रेंच के लोग हो, ये सारे जब आ गए तो फिर पुर्तगीज ट्रेडर लोग, उनका जो मोनोपोलिस्टिक मार्केट था वो धीरे 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 घटने लगा। और रिजल्ट ऐसा हुआ कि वो और ट्रेड में प्रॉफिट कर ही नहीं पाए, बट फिर भी बहुत दिन तक उन्होंने गोवा को अपने कब्जे में रखा था। तो बहुत दिनों तक भारत में उन्होंने रहा, लेकिन आखिरी वक्त में उनका पावर उतना था नहीं। और इट इज द पीरियड 1961 व्हेन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिलीज द गोवा, दामन एंड दीव फ्रॉम द पुर्तगाल्स, ठीक है, और उसके बाद वो भारत छोड़ के चले, ठीक है। ये कहानी था सिर्फ पुर्तगीज लोगों का। अगले वीडियो में मैं बात करूंगा डच और डेन्स के बारे में, पहले इनका बात मैं कर लूं, फिर मैं ब्रिटिश के बारे में आऊंगा। सो दैट ब्रिटिश का अगर जो कहानी है, और काफी लंबा कहानी है, उन्होंने काफी साल तक भारत में राज किया, पहले ट्रेडर बन के आए फिर भारत में रह गए, तो इन सारे कहानियों के ऊपर हम लोग बात करेंगे। बट यहाँ पे
जो नोट्स में स्क्रीन पे दे रहा हूँ, आप इस नोट्स को ध्यान से एक बार याद कर लो और फिर अपनी नोट कॉपी में उसे एक बार प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। कहानी आगे बढ़ता रहेगा, तब के लिए धन्यवाद।